आज विधवा उत्थान समिति के माध्यम से वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। खेल स्टेडियम में आयोजित सघन वृक्षारोपण के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विदिशा विधायक मुकेश टंडन, कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य सहित अन्य अधिकारी, समाज सेवी, विधवा उत्थान समिति के अध्यक्ष अशोक गोयल, समाज सेवी अतुल शाह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने बताया कि 4000 पौधे शहर भर में लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए ट्री गार्ड और सुरक्षा व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कराई जाएगी। देख के जाना, जरा घास बड़ी बड़ी है, जरा देख के करना। अभी ऐसा मिल गया कि दिल्ली में इसकी जगह मिल गई कि रोज छोड़े वहाँ पे लगा रहा है इधर ना किसी वक्त। अभी ऐसा मिल गया कि दिल्ली में इसकी जगह मिल गई कि रोज छोड़े वहाँ पे लगा रहा है इधर ना किसी वक्त। आवाज़ देना भैया, नहीं आ सर, बंद आ गई थी, नहीं आ रहा सर फोटो। तुम्हारे में कर लो जी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ अपनी माँ के नाम, माँ अगर है तो माँ से लगवाए, माँ नहीं है तो उसकी याद में लगवाए, ये देश एक बार फिर हरा भरा बने। हमारी जो ईश्वरीय जो वातावरण था, जिस प्रकार से मौसम समय के अनुरूप अपना व्यवहार करते थे, समय पर वर्षा होती थी, समय पर सर्दी पड़ती थी, समय पर गर्मी पड़ती थी, वो कहीं ना कहीं भगवान के कुछ निर्णयों के साथ छेड़छाड़ हुई है। वो पुनर्स्थापित हो उसके लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ अपने माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है। वो विधवा उत्थान समिति जो विदिशा शहर की सभी सामाजिक और पर्यावरण के लिए काम करती है, आज से वृद्ध रूप से वृक्षारोपण का काम आपने प्रारंभ किया है। 100 वृक्ष यहाँ पर आज लगाए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी संपूर्ण विधवा उत्थान समिति को कि आपके प्रयासों से लगातार ये शहर में साफ स्वच्छता और पर्यावरण के लिए अनुरूप और विदिशा शहर में कार्य होते रहते हैं। साथ में मैंने एक और निवेदन किया है कि हमारे शहर में जितने भी वृक्ष लगेंगे उन सब के लिए जो है टी गार्ड मैं उपलब्ध कराऊंगा। मैंने आपसे भी निवेदन किया है कि जितने भी वृक्ष आप लगाएं वो बता दें, उन सब के लिए टी गार्ड की व्यवस्था हम करेंगे। हम सब मिलकर इस विदिशा शहर को साफ और स्वच्छ हरा भरा बने, ये संकल्प हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का है। एक आदर्श लोकसभा हमारा विदिशा बने और आदर्श लोकसभा में विदिशा श्रेष्ठ स्थान पर रहे, इसके लिए सभी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर, सभी संस्थाओं के साथ मिलकर इस शहर को हरा भरा और साफ स्वच्छ बनाने में हम सब जुटेंगे। एक बार फिर विधवा उत्थान समिति के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। स्टेडियम में आज जो पौधरोपण किया गया किस संस्था के माध्यम से किया गया, कितना लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर? बेतवा उत्थान समिति यहाँ का एक सक्रिय सामाजिक संगठन है जो पूरे विदिशा शहर को, बेतवा नदी को साफ सुथरा रखने के लिए निरंतर काम करते हैं। आज उन्हीं के आह्वान पर यहाँ का जो खेल परिसर है उसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। खेल से संबंधित जितने भी लोग हैं सुबह सुबह यहाँ आते हैं, उन सब की सहभागिता से, यहाँ के नागरिकों की, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। हम विदिशा ज़िले में लगभग 1,000,000 वृक्ष जो है इस बार लगाएंगे और इन पौधारोपण में पूरे ज़िले में पंचायतों से लेकर नगर पालिकाओं में सभी नागरिकों की सहभागिता होगी। एक वायुदूत ऐप है, उस ऐप को सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि डाउनलोड करें और उस ऐप में जो पौधारोपण कर रहे हैं उसकी जानकारी को अपलोड करें, ताकि निरंतर इस बात की मॉनिटरिंग हो सके कि हम उस पेड़ की देखरेख कर रहे हैं, वो पौधा बढ़ रहा है और हम अपनी जो है इस पूरे बृहद बड़े कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता कर सकेंगे। थैंक यू। बेतवा उत्थान समिति निरंतर वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु गत 21 वर्षों से कार्यरत है। उसी श्रृंखला में आज हमारे सुरक्षित स्थान खेल परिसर में 100 पौधे एक पौधा माँ के नाम योजना के तहत रोपित किया गया। इस कार्यक्रम में विदिशा के विधायक श्री मुकेश टंडन जी, हमारे कलेक्टर साहब श्री बुद्धेश कुमार वैद्य जी एवं सांसद प्रतिनिधि श्री राकेश शर्मा जी एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। बेतवा उत्थान समिति ये आह्वान करती है कि हमारा शहर स्वच्छ और हरा भरा शहर बने। इस अवसर पर विधायक जी ने हमको जितने भी ट्री गार्ड की आवश्यकता होगी उसको देने का आश्वासन दिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम स्कूल परिसर में भी और अन्य स्थानों पर भी वृक्षारोपण का कार्य निरंतर जारी रखेंगे। विधवा उत्थान इन वृक्षों को लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कराएगी?
नगर पालिका परिसर में लगभग 4000 पौधे हमको लगाने हैं। पूरे शहर में लगभग 1200 पौधे हम लगा चुके हैं, मुखर्जी पार्क में लगा चुके हैं, अटल पार्क में लगा चुके हैं, और पूरा पानी और ट्री गार्ड की जो भी व्यवस्था रहेगी वो तो पूरी नगर पालिका इसको संपन्न करेगी। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है एक पेड़ माँ के नाम, तो ये केवल सामाजिक संस्था या नगर पालिका या केवल उनके लिए आह्वान नहीं है। हम अपील करते हैं कि घर घर सब लोग अपने ये पेड़ लगाएं, जो प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो, ये इसका प्रायोजन है। इसके लिए ये आह्वान किया गया है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।